नमस्कार दोस्तों, ऑटो टॉक्स के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो है 22 ऑटो टॉक्स हमारा, तो शुरू करते हैं उसको। और उसमें जो पहला जो न्यूज़ और फैक्ट्स के जो हमारे ऑटो टॉक्स है, उसमें जो पहला फैक्ट है, ये एक डिड यू नो टाइप का, जो कि बता रहा है कि बुगाटी वेरॉन के बारे में बता रहा है कि जो बुगाटी वेरॉन है, यानी कि जो सुपर कार कहें या स्पोर्ट्स कार कहें, जो बुगाटी वेरॉन है उसमें 16 ऑयल प्लग्स हैं जो कि उसे 25 घंटे तक सही रखते हैं कि ऑयल चेंज ना करना पड़े। यानी 25 घंटे तक वो 16 के जो ऑयल 16 जो ऑयल प्लग्स हैं उसमें है, जो वो 25 घंटे तक उसे संभाल के रखते हैं कि ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक खबर आ गई है कि जो किया की 7 सीटर एक कार देखी गई है, किया की 7 सीटर कार देखी गई है, अल्काजर जैसी ही है, नाम स्पोर्टेज बताया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है। तो और इंडिया में भी 7 सीटर मार्केट में, वो 7 सीटर का जो कार मार्केट है उसमें वो एंट्री ले सकती है। स्पोर्टेज है, काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आई है, मतलब काफ़ी अच्छे लुक्स हैं। अलॉयज देखे जाएँ तो आप देख सकते हैं इमेजेस में कि अलॉयज जो है मिलते जुलते ही हैं अल्काजर से। तीसरी खबर है कि जो हुराकेन ईवो रियर व्हील ड्राइव स्पाइडर जो लैम्बोर्गिनी है, वो लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में 3.54 करोड़ रुपीस के साथ। तो जो लोग अगर देखना ही चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और चौथी खबर है कि जो नई बुलेरो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है जो बुलेरो की, महिंद्रा बुलेरो की, वो स्पॉट की गई है अनडिस्गाइज्ड वे में कहीं पे, कहीं मुंबई के आसपास ही है कुछ इलाका, वो आप देख सकते हैं। पांचवी खबर है कि जो पांचवी खबर है टाटा हैरियर के ओनर्स के लिए, जो टाटा हैरियर मतलब आप जो लेना चाहते हैं नई, खास तौर से जो डार्क एडिशन काफ़ी फेवरेट है जिन लोगों का, उनके लिए ही एक खबर है कि जो टाटा हैरियर का डार्क एडिशन है वो सिर्फ अब सनरूफ वाला वेरियंट, यानी जो टॉप एंड वेरिएंट रहता है उसमें ही मिलेगा, यानी जो सनरूफ वाला वेरिएंट रहता है उसमें ही मिलेगा डार्क एडिशन। बाकी जो XT, XZ और XZA हैं, जो इसके अलावा मिलते थे, इसमें डार्क एडिशन मिलता था, वो अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। यानी जो डार्क एडिशन है अब सिर्फ सनरूफ वेरिएंट में ही मिलेगा। और सिक्स्थ खबर आई है कि जो नई जैगुआर एफ पेस कार है वो लॉन्च हो गई है 69.9 लाख रुपीस के साथ इंडियन मार्केट में। और सातवीं खबर है कि जो टोयोटा लैंड क्रूजर है, यानी जो फॉर्च्यूनर से भी एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, प्रीमियम एसयूवीज के सेगमेंट में जो आती है, लैंड क्रूजर बोलते हैं जिसे, हम इमेजेस आप देख रहे होंगे, सब नाम से बहुत लोग नहीं जानते लेकिन शक्ल से उसे बहुत देखते हैं लोग। तो जो है वो उसकी नई जनरेशन का ग्लोबल डेब्यू हो चुका है, यानी इमेजेस देख सकते हैं, टोयोटा की तरफ से इसको डेब्यू किया गया है। और आठवीं खबर है कि जो महाराष्ट्र RTO है, उन्होंने व्हीकल रजिस्ट्रेशन को जो है, उनका व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको पेपरलेस कर दिया है। यानी अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा RTO का, वो अब पेपरलेस होगा। यानी अब जब महाराष्ट्र में इस तरीके से हुआ है तो बाकी की स्टेट्स में भी सेम प्रोसीजर जो है वो अलाउ हो जाएगा। नौवीं खबर है कि जो स्कोडा ऑक्टाविया है वो लॉन्च हुई गई है, और उसकी जो प्राइस आई है वो है 25.99 लाख रुपीस से लेके 28.99 लाख रुपीस के साथ। यानी स्कोडा ऑक्टाविया जो है वो आपको 26 लाख से 29 लाख के बीच में आपको एक शोरूम मिल जाएगी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं कि ये जो प्राइस है ओवर प्राइस है सही है उसके हिसाब से, तो मैं कहूंगा कि अब स्कोडा क्या है, पहले अपने सिर्फ स्पोर्टीनेस और स्पोर्टीनेस के वजह से ही फेमस था, अब उसने थोड़ा प्रीमियमनेस भी घुसेड़ी है अपने अंदर, तो प्रीमियमनेस आने के वजह से जो है इसकी प्राइस बढ़ गई है। हालांकि थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है कार, लेकिन इतना चलेगा खैर। और दसवीं खबर है कि जो 2 लाख नेक्सॉन, यानी 2 लाख नेक्सॉन जो है वो रोल आउट हो चुकी है
एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से यानी, और ये टाटा नेक्सॉन के लिए, एक टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छे अचीवमेंट की बात है कि 2 लाख नेक्सॉन उन्होंने सेल आउट कर दी हैं, रोल आउट हो चुकी हैं एक प्रोडक्शन से, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल ऑटोटॉक्स में इतना ही। आई होप आप लोगों को ऑटोटॉक्स का ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हर 2 दिन में ऑटोटॉक्स के वीडियो आते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको देखें और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट्स करके। बेल आइकन को दबा लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।